राजेश गुप्ता जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राजेश जी बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार नीरज जी। जी नमस्कार। मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक है 53,000। ओके। ये 65 रुपए में खरीदे हैं, तो इसका सर फ्यूचर क्या है? 53,000 शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक, इसको सही कर लीजिए, 50 लिखा आपने, 53,000, 65 रुपए भी लिए आपने। 65। कब लिए थे, कितने दिन पहले? कुछ लिए थे 2 साल पहले। हाँ। जब ये 66 रुपए 67 रुपए गया था टॉप पे। हाँ। और कुछ अभी लिए हैं 65 रुपए में। बिल्कुल करीबी मामला है सर्वेंद्र जी, क्या किया जाए? 65 रुपए IDFC बैंक की बाइंग है, क्वांटिटी ठीक ठाक बड़ी ले रखी इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, पर अपने शहर वाले हैं बिल्कुल, आई थिंक ट्रेड इनका ठीक है फिलहाल, और क्वांटिटी भी अच्छी है, तो शायद पैसे इनके बहुत बढ़िया यहाँ पे बन सकते हैं। बट हमेशा नजर ये भी रखनी है कि भाई किन एरियाज के आसपास अच्छे सपोर्ट से और कहाँ पे सेटल्स बिगड़ सकते हैं। तो आई थिंक अगर इनको 12-18 महीने प्लस के लिए अगर ये स्टॉक रखना है, तो इनको एक, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 15-20% का एक लीवे, एक स्टॉप लॉस जो ये होता है, उतना इनको रिस्क लेके चलना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से फिर 54 के नीचे अच्छे स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कि 54 के नीचे जाके ये बंद करेगा नेक्स्ट 3-6 महीनों में, और ऊपर के रुझान रहेंगे, तो एज लॉन्ग एज वो लेवल्स होल्ड है यहाँ पे, तो आई थिंक इनके पास रिसोर्स अच्छा है, और मुझे लगता है ऊपर में 85-90 के लेवल्स यहाँ पे आएंगे, तो एक 1:2 या 1:2 से थोड़ा ज्यादा एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए बना हुआ है 9-12 महीने में, आई थिंक डिसेंट परसेंट के यहाँ पे बन सकते हैं। 9-12 महीने में राजेश जी अच्छे पैसे बन सकते हैं आप, लेकिन 54 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा जी, उस पे आप